स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, लेकिन आज हमारे क्लास में हम देखने वाले हैं टेम्परेचर के कितने यूनिट्स होते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को तीन स्केल में मेजर किया जाता है। वर्ल्ड में तीन स्केल से यह टेम्परेचर मेजर होता है। टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ द थर्मल एनर्जी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। तो टेम्परेचर मेजर करने का पहला यूनिट है डिग्री सेल्सियस, दूसरा यूनिट है फारेनहाइट और तीसरा यूनिट है केल्विन। जनरली ये डिग्री सेल्सियस कहां पे यूज होता है ये बता देता हूं आपको मैं। डिग्री सेल्सियस रूटीन में हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए 25 डिग्री आज का टेम्परेचर है, 35 डिग्री कोई टेम्परेचर, सबो समर के अंदर टेम्परेचर 45 जाता है, तो ये सेल्सियस डिग्री सेल्सियस है। जो रूटीन में यूज होने वाला स्केल है वो डिग्री सेल्सियस है। उसके अंदर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस मान के ये स्केल बनाया गया है। दूसरा स्केल है उसको बोलते हैं हम फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल जनरली डॉक्टर्स यूज करते हैं और कई बार हम बोलते हैं किसी को बुखार हुआ है और उसके उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 104 है, तो ये 104 सेल्सियस नहीं है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी बॉइल होता है, तो ये 104 क्या है, वो डिग्री फारेनहाइट स्केल है। और तीसरा स्केल है जो जनरली ये टेम्परेचर का ऐसा यूनिट भी है सिस्टम इंटरनेशनल में, और ये केमिस्ट्री में जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो सब कैलकुलेशन इसके स्पेस पे होते हैं, केल्विन स्केल पे ऊपर होते हैं, लेकिन केल्विन के ऊपर डिग्री साइन नहीं लगता है और उसमें कोई नेगेटिव टेम्परेचर नहीं आ सकता है। और फारेनहाइट स्केल में वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 32 डिग्री और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को 212 फारेनहाइट माना गया है। अभी हम देखने वाले हैं सबके बीच में रिलेशनशिप क्या है, कैसे हम एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रिलेशनशिप बता देता हूं कि फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 32 प्लस 9/5 डिग्री सेल्सियस। 32 प्लस 9/5 क्या लिखा है, 32 प्लस 9/5 डिग्री सेल्सियस। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सबको मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या होगा 32 प्लस 9/5 इंटू 0, सो इट इज 32 डिग्री फारेनहाइट। दूसरा कि फारेनहाइट और सेल्सियस और केल्विन का स्केल ये होता है कि भाई केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस क्या होता है 273.15, लेकिन कई बार हम इसको डिग्री सेल्सियस प्लस 273 लेते हैं, पॉइंट 15 को इग्नोर किया जाता है। सो ये दो रिलेशनशिप है जिससे कि हम टेम्परेचर के एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में जा सकते हैं, बराबर। तो सो व्हाट इज द केल्विन टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0 डिग्री 0 प्लस 273.15, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना आया 273.15, क्या आया 273.15। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जैसे कि सबको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कितना फारेनहाइट होगा 32 प्लस 9/5 इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा 32 प्लस ये क्या होगा आपका ये 20 आ गया, 29 180, तो ये क्या आ गया आपका 212 डिग्री फारेनहाइट।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर केल्विन में क्या होगा, तो क्या होगा 100 प्लस 273.15, तो ये क्या हो जाएगा आपका 373.15 क्या हो जाएगा केल्विन, 373. क्या हो जाएगा 15 क्या होगा केल्विन। मान लो कि नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जनरली केमिस्ट्री में 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा 32 प्लस 9/5 इन द ब्रैकेट 25, 5 5 25, तो इसका आंसर आपका आएगा 77 डिग्री फारेनहाइट। और सिमिलरली यहां पे क्या आएगा 25 प्लस 273.15, तो ये क्या आ जाएगा आपका 298.15 क्या आ जाएगा केल्विन। थैंक यू। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है एटॉमिक मास। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी मैटर होता है वो छोटे से टाइनी पार्टिकल से बनता है, टाइनी पार्टिकल से बना हुआ होता है, लेकिन वो टाइनी पार्टिकल्स का खुद का एक मास होता है। और उस मास को अभी मेजर करने के लिए, एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। और उससे जो मास मेजर करने की टेक्निक है उसको बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सो एटॉमिक मास इज बेस्ड, इट इज डिसाइडेड फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अभी हर एक एलिमेंट का खुद का एक एटॉमिक मास होता है। अभी केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको 12th स्टैंडर्ड में आएंगे, इसके ऊपर जितने भी जेईई नीट सबके अंदर आएंगे, उसके अंदर आपको ये आना कंपलसरी है। इसलिए मैं पहले ये एटॉमिक मास कैसे आता है इसके डिस्कशन में नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा। थोड़ी सी लंबी थियरी है इसलिए मैं उसको बताया नहीं। एच का एटॉमिक मास क्या होता है, 1। एटॉमिक मास इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को ही कई बार यूनिफाइड मास के नाम से भी जाना जाता है, और एटॉमिक मास को ही ग्राम पर मोल भी कहा जाता है। सो हर एक एलिमेंट का खुद का एक एटॉमिक मास होता है, जैसे कि एच का एटॉमिक मास 1 होता है। ये न्यूमेरिकल्स में आपको वैल्यूज दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन ये जितनी भी जरूरत है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। H का एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। देखो ये एटॉमिक नंबर नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसका एटॉमिक मास क्या है 16, मतलब उसमें 8 प्रोटॉन भी है और 8 न्यूट्रॉन भी है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। भाई क्लोरीन का मास 35.5 क्यों आता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कहूंगा। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, कॉपर का होता है 63.5। तो हर एक एलिमेंट का खुद का अपना एक मास होता है, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। और एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन ऐसी है, द मास एग्जैक्टली द 1/12 मास ऑफ द C12 कंपेयर, कार्बन का जो आइसोटोप है C12 उसके 1/12 मास से आपका जो एटम कितना हैवी है। मान लो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, इसका मतलब कार्बन का जो आइसोटोप C12 है उसका 1/12 पार्ट यानी 1 AMU है उसका 16 टाइम वो हैवी है। लेकिन उसके डेफिनेशन में हम नहीं जाते हैं, हम अभी टू द पॉइंट, थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट पर जाते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जो भी कंपाउंड में हमारे एलिमेंट है उनके एटॉमिक मासेस को हम अगर सम करेंगे तो जो मिलता है उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या है, ये जो हमने लिखा है एटॉमिक मासेस ये अप्रोक्स है, H का सब एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1.008, लेकिन यहां पे हमने 1 लिया है और न्यूमेरिकल में भी आपको 1 लेना है।
सो मॉलिक्यूलर मास क्या है, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड. फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास को H2 फाइंड करना है, H के अंदर H2O के अंदर तीन एटम है, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, 2 × H + 1 × O. अभी H का एटॉमिक मास क्या है, 1 है. O का एटॉमिक मास क्या है, 16 है. तो 2 × 1 + 1 × 16, इतना आंसर हुआ 18 ही है. सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुगर, सुगर यानी सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11. इसके अंदर टोटल एटम, देखो एक मॉलिक्यूल सुगर में 45 एटम्स हैं, कार्बन के 12 एटम है, हाइड्रोजन के 22 एटम है, ऑक्सीजन के 11 एटम है. तो 12 × C + 22 × H + 11 × O, कार्बन का एटम मास 12, एच का 1, ओ का 16. ये सब वैल्यू रख देंगे, सम करेंगे, इसका आंसर आएगा 342. नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4. अभी इसके अंदर टोटल 7 एटम है, 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है और 1 सल्फर है. तो 2 × H + 1 × S + 4 × O. H का एटॉमिक मास 1, सल्फर का एटॉमिक मास 32 और O का 16. तो इसका आंसर क्या आएगा, 98 AMU. AMU को ही कई बार यूनिफाइड मास यू भी कहते हैं, उसी को ही ग्राम पर मोल कहते हैं. और मोल भी क्या होता है बताऊंगा. मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या है, यूरिया. यूरिया आपको मालूम है, यूरिया इज अ फर्टिलाइजर और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2. तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल N कितना है, 2 है. H टोटल कितना है, 4 है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है. तो N2H4CO, 2 × N + 4 × H + 1 × C + 1 × O, सबका वैल्यू रख देते हैं और इसका सम करेंगे तो कितना आंसर आता है, 60 यूनिफाइड मास आया. इसका आंसर आता है 60 यूनिफाइड मास. मैं कुछ और भी लिखता हूं जिससे कि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए. लेकिन ये एटॉमिक मासेस आपको याद रखेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स JEE में, नीट में, कोई भी कैलकुलेशन केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर मास के बगैर होता नहीं है. तो आपको ये आना कंपलसरी है. मैं एक और लिखता हूं कंपाउंड कि भाई कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, भी बोलता हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ऐसा लिखा हुआ है भाई, H2C2O4 ≡ 2H2O. इस कंपाउंड को कहा जाता है ऑक्सैलिक एसिड. अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4 ≡ 2H2O. अभी इसके अंदर H कितने है? इसका करेंट एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो इसका हमको सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिसाइड करना पड़ेगा. H कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 × 2 = 4, ये 4 + 2, तो H कितना है हमारा, 6. C कितना है, 2. और ये O कितना है, ये भी चेक कर लेते हैं, O यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है. तो 2 + 2 है, तो 2 + 4 कितना हुआ, 6 हुआ. तो H6C2O6, सो यू कैन राइट 6 × H + 2 × C + 6 × O. तो क्या होगा, 6 × 1 + 2 × 12 + 6 × 16. तो इसका आंसर होगा हमारा ये 96 और ये 30. 16 × 6 = 96 = 24 और ये 6 30 + 96, इसका आंसर आएगा हमारा 126 एटॉमिक मास यूनिट. अब याद रखना बच्चों कि AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट को ही यूनिफाइड मास भी बोला जाता है, उसको भी यू बोला जाता है और न्यूमेरिकल में हम इसको ग्राम पर मोल भी बोलते हैं. तो ये मोल क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूं. अभी आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है. अभी अगर आपको अच्छी तरीके से केमिस्ट्री के ऊपर कमांड बनानी है तो सबसे पहले ये स्टेप में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं कुछ होमवर्क आपके लिए लिख देता हूं. और ये होमवर्क आपको ध्यान रखना है C6H12O6, जैसे कि आपको मालूम है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है. दूसरा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा. चौथा
वॉशिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं Na2CO यानी सोडियम कार्बोनेट, पांचवा बेकिंग सोडा फॉर्मूला होता है NaHCO3, सिक्स्थ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सेवंथ ये आपने पढ़ा है C6H6, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन, एट एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मूला होता है Al2SO4 thrice, नाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, टेन जो है हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH twice. अगर जब ऐसा होता है तो हमको O2 लेना है, H2 लेना है, ऐसा कंडीशन में S3 लेना है, O12 लेना है. सो यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे Al2S3O12, और इसको ऐसे लिखेंगे MgO2H2, बराबर. इसको ऐसा लिखा जा सकता है. और 11th नंबर में हम लेते हैं मीथेन CH4, और 12 नंबर में हम लेते हैं कॉपर सल्फेट. तो ये सब के मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड करना है और नोटबुक में लिखना है. थैंक यू. व्हाई एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5. बच्चों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्लोरीन का सर ने एटॉमिक मास 35.5 क्यों लिखा था, कॉपर का 63.5 क्यों लिखा था, इसका रीजन. क्लोरीन के दो आइसोटॉप होते हैं, क्लोरीन नेचर में जो मिलता है क्लोरीन उसके दो आइसोटॉप होते हैं, एक होता है Cl35 और दूसरा होता है Cl37. अभी सबको नहीं मालूम होता इसलिए मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूं. आइसोटॉप क्या होते हैं, मान लो कि क्लोरीन नेचर में दोनों टाइप का मिलता है, एक क्लोरीन का एटम ऐसा मिलता है जिसका एटॉमिक मास 35 होता है और दूसरे क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, 37 होता है. सो द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है, ऐसे को क्या बोलते हैं, आइसोटॉप. जैसे आपको मालूम है कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऑक्सीजन के भी तीन होते हैं, O16, O17, O18. तो व्हेन एनी एलिमेंट इज ऑब्टेन इन डिफरेंट परसेंटेज फ्रॉम द नेचर, बराबर. मान लो क्लोरीन के दो आइसोटॉप है Cl35, Cl37. Cl35 जो है मतलब 35 मास वाला क्लोरीन नेचर में 75% मिलता है और 37 एटॉमिक मास वाला क्लोरीन 25% मिलता है. तो उस केस में हमको उसका एवरेज लेना पड़ता है. सो व्हेन द एटॉमिक मासेस आर इन डिफरेंट परसेंटेज, सो वी हैव टू टेक एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, परसेंटेज 1 m1 प्लस परसेंटेज 2 m2 डिवाइड बाय 100. ये जरूरी नहीं कि आपने दो लिखा है, कोई एलिमेंट के लिए 4 भी हो सकता है, कोई एलिमेंट के लिए 5 भी हो सकता है. आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज 1 m1 प्लस परसेंटेज 2 m2 प्लस परसेंटेज 3 m3 प्लस परसेंटेज 4 m4, ऐसा आगे भी लिख सकते हैं. यहां पे दो ही है तो हमने दो ही लिखा है, इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं. तो परसेंटेज 1 पहला जो आइसोटॉप है क्लोरीन 35, उसका परसेंटेज 75 था, 75 उसका एटॉमिक मास कितना था, उसका एटॉमिक मास कितना 75 वाला कितना था 35, 75 × 35. दूसरा क्या था, परसेंटेज 2 25 परसेंट वाला कितना था 37% था, 25 × 37 डिवाइड बाय क्या होगा 100. तो इसका अगर आप आंसर निकालेंगे तो यह आएगा 35.5. दूसरी बात, कोई भी एलिमेंट को केमिस्ट्री में इस फॉर्मेट में लिखा जाता है ZXA. नीचे जो लिखते हैं उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं और ऊपर लिखते हैं उसको एटॉमिक मास बोलते हैं. जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है 17 Cl 35, तो 17 उसका एटॉमिक नंबर है और 35 उसका एटॉमिक मास है. यहां पे 17 एटॉमिक नंबर है और 37 एटॉमिक मास. देखो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, एटॉमिक मास चेंज हो सकता है. तो एक्स का सिंबल ऑफ क्या लिखा है, एलिमेंट. थैंक यू.